हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। तो दोस्तों, जैसा कि यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जिसका मेडिकल आज हो गया उसका 2 या 3 दिन में वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है रायबली, यहाँ पे मेडिकल किस तरीके से हुआ और कितने बच्चे यहाँ पे पास हुए, कितने फेल हुए हैं और कितने अनुपस्थित थे और क्या क्या चीज़ चेक हुआ और सबसे पहले कैसे क्या हुआ, सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो साहब, आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। और दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ कि आज पहला दिन था तो वहाँ पर क्या क्या चेक किया गया और क्या क्या हुआ मैं सबको आपको बता दूँ। जैसा कि हम लोग वहाँ पे अपना जो है 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था मेरा, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया था करीब 8 बजे। तो वो लोग 9 बजे से पहले एंट्री किए ही नहीं, वो 9 बजे जब 9 बजा तो वो एक लिस्ट लेके आए, उस हिसाब से फिर 25-25 बच्चों को अंदर ले जा रहे थे। और क्योंकि यहाँ पे टोटल आज 80 बच्चों का मेडिकल होना था, 25-25 बच्चे करके पूरे अंदर किए पहले, वो उसके बाद अंदर बैठे थे, फिर 25 बच्चों का ग्रुप गया वहाँ करीब 9:30 बजे पहला बैच छोड़ा गया, अंदर लेके गए। तो उन बच्चों का के बाद जो दूसरा ग्रुप छोड़ा गया वो करीब 11:30 और 12 के बीच में दूसरा ग्रुप गया, तो काफ़ी लेट में हो रहा था। और हमारा ग्रुप था तीसरा, यानी कि 57 नंबर मेरा था आज। तो उस पर हमारा ग्रुप का जो नंबर आया वो करीब 1:30 बजे आया, तो हम लोग बहुत काफ़ी परेशान हो गए, खड़े खड़े थक गए, वो काफ़ी था प्रॉब्लम थी। तो आपको इस चीज़ को अभी बता दे रहा हूँ कि कल अगर आप जाते हैं तो अपना खाना पानी आप जो है वो ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपना आप वहाँ का खुद अपना लंच बॉक्स लेके जाइए, आप जो भी आपके पास है तो अवेलेबल है उसको लेके जरूर जाइए, हो सकता है आपको टाइम का आवाए कम ना है। क्योंकि आज जो डॉक्टर था वो भी लेट था, तो जैसे ही डॉक्टर आया फिर वहाँ पर बच्चों का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चे जो वहाँ पे अपना शपथ पत्र बनवाए थे जो कि मेन एक है, तो शपथ पत्र आप अभी भी देख लीजिए, अगर आपने 14 पॉइंट होने चाहिए आपके शपथ पत्र में और आपकी जो फ़ोटो उस पर लगी होनी चाहिए, फ़ोटो के ऊपर आपकी जो फ़ोटो है उसके ऊपर नोटरी का सिग्नेचर हो यानी नोटरी वाला मोहर लगा होना चाहिए। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना। इसमें बहुत सारे आज बच्चे बाहर हो जिनकी वजह से आज मेडिकल लेट हो गया, सिर्फ 35 ही बच्चों का मेरे यहाँ मेडिकल हो पाया, जिसमें से 2 को फेल कर दिया गया और 33 बच्चे सफल हुए हैं। बाकी मेरा अभी मेडिकल नहीं हुआ, तो मेरा डॉक्यूमेंट आज जमा हो गया, मेडिकल मेरा कल होगा। तो अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ तो कि वहाँ पर सबसे पहले जब जो बच्चे जिनका मेडिकल हो गया उन्होंने क्या क्या करवाया, किस हिसाब से करवाया, मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो पहले बैठा दिया जाएगा आपको, उसके बाद वहाँ पे 3-4 कांस्टेबल होंगे और ज़्यादा ही हो सकते हैं, तो आपको पहले आपको डॉक्यूमेंट लगवा देंगे कि आपको अरेंजमेंट किस हिसाब से करना है। तो दोस्तों, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट उस हिसाब से लगा लेना है, उसको सेट कर लेना। और मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि एक्स्ट्रा सामान आपको कौन सी लेके जाना है, तो आज वहाँ पर स्टेपलर का आपका ज़रूरत पड़ गई, हर एक बच्चा स्टेपलर वहाँ पर मांग रहा था, जबकि मेरे पास तो था, मैं तो लेके गया था और 2-3 बच्चे लेके गए थे, उस वो सबसे एक दूसरे से मांग रहे थे। तो वो काम आपको ना करना पड़ेगा, अगर आपके पास है तो आप अपना स्टेपलर ज़रूर लेके जाएँ, ठीक है। स्टेपलर लेके जाना है वहाँ पे, आपको 5-5 सेट आपको कॉपी करवा लेनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, 5 सेट पे कॉपी आपकी जमा होगी, ठीक है। ये मत करना कि वहाँ पे 2 सेट पे कॉपी सिर्फ जमा कर लें, लेके जाएँ 5 सेट पे कॉपी लेके जाना है, उसको पंच करना है, उसके बाद आपको 10 फोटो तो लगेंगे वहाँ पे जमा ही होंगे, 2 फोटो एक्स्ट्रा रखिएगा, जो आपका मेडिकल हो जाने के बाद एक फॉर्म मिल फिर करवाया जाता है उस पर आपको चिपकाना पड़ेगा। तो आपको टोटल 12 फ़ोटो लेके जानी पड़ेंगी, उसको लेके जाएंगे, जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जैसे सेटअप करवा दिया जाएगा, यानी सीरियल से लगवा दिया जाएगा, उसके बाद आपका नाम बोल दिया जाएगा, आपको अंदर चले जाना है। अंदर जाएंगे जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे बेंचेस पड़े होंगे, वो लड़के सब इधर उधर बैठे रहते हैं, कोई वहाँ पर इतना कोई ध्यान नहीं देता, कोई मतलब अनुशासन नहीं होता इतना, डांटते वाटते नहीं है, मेरे यहाँ तो ऐसे ही हुआ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको बैठ जाना है, आपको वहाँ पे नाम बोलेंगे, तो जैसे ही वहाँ पे आपका नाम बोलते हैं तो आप अपना फाइल लेके चले जाना। अपना फाइल आपको सबसे पहले एक वो बोलेंगे ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके डुप्लीकेट होंगे, यानी फ़ोटो कापी होंगे, जैसे कि हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, इनके मार्कशीट हो गया, तो आपका और जाति निवास हो गया, तो इनके जो आपके है तो ये आपके फ़ोटो कापी रहेंगे। बाकी जैसा कि आपका प्रधान का चरित्र हो गया और ये
शपथ पत्र हो गया, आपके स्कूल का चरित्र हो गया, तो ये आपको ओरिजिनल उसी पे लगेंगे, तो वो आपका ओरिजिनल माना जाएगा। पहले उसको देना, उसके बाद आपको ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट मैच करवा लेना, हाई स्कूल इंटर ओरिजिनल आपको दे देना, उनको सब निकाल के वो मैच कर लेंगे। जैसे मैच कर लें तो उसके बाद उसको आप रख लीजिए। फिर बाकी के जो शेष आपके पास चार सेट बचेंगे फ़ोटो कापी वाले, उनको भी आपको उनको दे देना और अपनी फ़ोटो दे देना, वहाँ पर सिग्नेचर कर देना अपना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको एक फ़ाइल दे देंगे, वो फाइल लेके जाना है दूसरे बेंच पे, वहाँ पे जाना है, अपना एड्रेस डालना है, अपना डेट डाल देना है, DOB डाल देनी है और सिग्नेचर कर देना है। फिर आपके वहाँ पे दाहिने और राइट और लेफ्ट दोनों हाथों के थंब लगाए जाएंगे। दूसरे बेंच पे आप जाएंगे तो वहाँ फिर आपका एक फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, आपका नाम, पिता का नाम, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना, आपका DOB डाल देना है और अपना थाना डाल देना है, तहसील जिला डाल देना है। उसके बाद आपका जो मेडिकल हो रहा है वो किस वाहिनी में हो रहा है, जैसा मेरे को 25वीं वाहिनी PSC रायबली था तो मैंने वो एड्रेस केवल इतना डाल दिया। इतना डालने के बाद आपको उसको जमा कर देना, बस एक अब बार फिर से आपको वहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा आपको लगवा लिया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ डॉक्यूमेंट यहाँ पर इतना हो गया, तो मेरा काम आज यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर जो मैंने बच्चों से पूछा है कि मेडिकल का क्या होता, तो जैसे ही उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद आपका नाम वहाँ पे आएगा सीरियल से, जब उनके पास फाइल जाएगी डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर आपकी हाइट होगी पहले, उसके बाद आपका चेस्ट होगा, उसके बाद आता है आपका वहाँ पे आइज़ का। तो एक आइज़ में तो एक मैडम पीछे बैठी रहती हैं और दो कांस्टेबल आपके साइड में होंगे। बस आपको यह है कि 6 मीटर की दूरी से आपको एक आँख बंद करके एक एक आँख से देखना होगा, बस नीचे की 3rd row यानी 6x9 की जो पट्टी होती है, आपको सिर्फ वही पट्टी पढ़वाएंगे। आपको वो पट्टी आप सही पढ़ें या गलत पढ़ें, बस स्पीड में आप उसको पढ़ दीजिएगा, ठीक है, और लाउडली थोड़ा सा पढ़िएगा। उसके बाद जैसे ही पढ़ देंगे तो वो जो आपके साइड में कांस्टेबल होगा वो बोल देगा मैम फिट है, उसके बाद मैम आपका टिक कर देंगी या फिर जो भी सर होंगे वो आपको टिक कर देंगे, आपका फिट हो जाएगा, आगे जाना है। उसके बाद आपका हाथ चेक हो जाएगा, थोड़ा सा पैर चेक कर लेंगे, और उसके बाद आपको एक कान पे आपको एक मशीन रखेंगे, बोलेंगे देखो आपको सुनाई दे रहा, तो अगर सुनाई दे रहा तो वाइब्रेट करेगा ये आपको, तो बोल देना हाँ सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, अगर वाइब्रेट नहीं कर रहा तो आप बोलिएगा नहीं सुनाई दे रहा है। उसके बाद फिर वो क्लार ब्लाइंडनेस चेक कर लेते हैं कि एक कॉपी होती बस पलटते जाते हैं, उस पर कुछ लिखा होगा या फिर उस पर कुछ लाइन होगी, तो उस पर जैसे पूरा ग्रीन है तो उस पर रेड कलर की लाइन है, तो उसको उसके ऊपर आपको हाथ रखना होगा कि हाँ किधर किधर लाइन गई है। तो इस तरह करके आपका पूरा नॉर्मल सा बिल्कुल है, ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल होने के बाद कुछ देर बाद आपको वेट करना है, जैसे ही सब जगह फिट हो जाएगा तो आपको टिक कर दिया जाएगा, फिट हो जाएगा। उस कुछ थोड़ी देर बाद आपका एक लिस्ट बन के आ जाएगी कितने बच्चे जो है सारे बच्चों का, तो कि ये बच्चे फिट हो गए ये अनफिट है, बाकी आपका लिस्ट पूरा आ जाएगी, चस्पा हो जाएगी बाहर, आप देख लीजिएगा संतुष्ट। जैसे आपका फिट हो गया आप सीधा अपने घर आ जाइए, और उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका थाने में आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा। आप घर से कहीं जाइएगा मत बाहर, या फिर आप सोचो कि अब तो मेरा मेडिकल हो गया मैं कहीं घूमने चला जाऊँ दूर, तो अब घूमने कभी मत जाइएगा, अब अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए उसके बाद ही जाइएगा। 2-3 दिन में आपका वेरिफिकेशन भी आपके घर पहुँच जाएगा, ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ पे ऐड करना है वो अपना मोबाइल नंबर वही ऐड करिएगा जो आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल रहे, 24 घंटा आपके पास रहे, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।